फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा लेकर आई हूं जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। एक्चुअली मैं आज आपके साथ कुछ शेयर भी करने वाली हूं। जो मैं आज आपके लिए यहां पर आर्ट पीस बनाने वाली हूं, वो मैंने मिट्टी के बर्तन के ऊपर बनाया है। एक्चुअली जब मैं लास्ट टाइम मार्केट में गई थी तो मैंने रोड साइड देखा कि बहुत सारे पोटर और बहुत जो मिट्टी के बर्तन ऐसे बेचने वाले होते हैं वो बैठे हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उनसे कुछ सामान ऐसा लेते नहीं है। तो मैंने ट्राई किया कि क्यों ना मैं उनसे कुछ सामान लूँ जिससे उनकी भी मदद हो जाए और मुझे भी एक आइडिया मिल जाए। अगर ये आइडिया आपको पसंद आता है तो आप भी इसी तरह से दूसरों की मदद प्लीज़ ज़रूर करिएगा और ट्राई करिएगा इस तरह से कुछ आप भी बनाएं ताकि आपके बहाने से किसी दूसरे की मदद हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक मिट्टी का पिगी बैंक जिसको हम गुल्लक भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने दो तरह के पॉट लिए हैं। इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से कलर करना है। कलर करने के लिए आप जैसो या फिर एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी के सामान के ऊपर काम करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी वीडियो के साथ साथ मैं आपको बताऊँगी। तो आगे चलते हैं। अब ये हमारे जो आर्ट पीस हैं वो बिल्कुल अच्छे से सूख गए हैं। सूखने के बाद मैं इनके ऊपर कलर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो आपके मिट्टी के बर्तन हैं उनको रेडी कैसे करना है कलर के लिए। आपको अपने मिट्टी के बर्तन को 3 से 4 घंटे के लिए पानी के अंदर डालकर रखना है ताकि जो हमारी मिट्टी है वो अच्छे से पानी को सोख ले और आप जब उसके ऊपर कलर करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए, कलर अच्छे से स्प्रेड हो सके। मैंने यहाँ पर ये कोन रेडी किए हैं। आप अपने आर्ट पीस के साइज के अकॉर्डिंग कोन रेडी कर रखें ताकि आपको बीच बीच में कोन बनाने की परेशानी ना हो। आप अच्छे से इनको बना लें और जो भी आपको साइज चाहिए अपने कोन का उसको उसी तरह से आगे से कट कर लें। अब यहाँ पर जो हम आर्ट पीस बना रहे हैं वो गोल है। जैसे हम नॉर्मली जो लिपन आर्ट करते हैं हम किसी भी फ्लैट चीज़ के ऊपर करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह से काम कर रहे हैं तो आप जब एक साइड का अपना काम कंप्लीट कर लें उसके बाद ही आप दूसरी साइड काम करना स्टार्ट करें। आपको ये भी ध्यान रखना है जो आपका कोन है, आपने जो कोन के लिए पेस्ट बनाया है वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बह के नीचे आ जाएगा और बिल्कुल गोल भी नहीं होगा। परफेक्ट कोन कैसे बनाते हैं, 5 तरह के कोन इस आर्ट के लिए कैसे बनाएं, वो वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। अब ये ऊपर वाला काम कंप्लीट है। अब हम तैयार कर लेते हैं जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसको। इसमें मैंने यहाँ पर गोल्डन और ब्लू कलर लिया है। आप चाहे कुछ और भी ले सकते हैं लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। कोन के साथ काम करते हो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपके कलर्स सूख जाएं, सूखने के बाद ही आप उनके ऊपर कोन से काम करें। आप जो यहाँ पर मिरर्स देख रहे हैं ये मिरर्स आप किसी भी क्राफ्ट वाले जो स्टोर होते हैं वहाँ से ले सकते हैं या ऑनलाइन भी आप इनको बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हैं। अब ये वाला काम हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीट है तो हम इसे सूखने के लिए रख देते हैं और सूखने के बाद हम इसको वार्निश करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब रेडी कर लेते हैं इस पार्ट को। अब इसमें आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत हैवी है, इसे हाथों में संभालने में मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही थी, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये ऊपर से इतना हैवी है कि बार बार पीछे की साइड जा रहा था और ऊपर कोन वाला काम है तो मुझे थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना था कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। अब यहाँ भी मैंने एक ही साइड इसमें काम किया है, दूसरी साइड इसको सूखने के बाद मैं काम करूँगी। जो नीचे वाला ब्लू कलर है और गोल्डन कलर है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको आप साइड में रख दें और जब ये साइड से सूख जाए तो दूसरी साइड भी आपको सेम ऐसे ही काम करना है। अब यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी वार्निश और इस पे मैं वार्निश करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोन वाला जो काम है उसके ऊपर वार्निश नहीं करनी है तो आप जब कलर कंप्लीट कर लें अपने उनके बाद वार्निश कर दें और उसके बाद कोन वाला काम करें।
अब ये जो हमारा आर्ट पीस है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस तरह के आर्ट पीस को आप जहाँ भी अपने घर में चाहें, किसी कॉर्नर में, किसी टेबल के ऊपर या बाहर एंट्रेंस के ऊपर कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद। इतना ज़्यादा अच्छा ये वीडियो में भी नहीं लग रहा है जितना ये नॉर्मली मैं इसको सामने से देख रही हूँ तो ये लग रहा है। तो अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।